दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नोएक्स सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अमेज़न का प्राइम डे सेल 23-24 तारीख को आ रहा है, तैयार रहिए। SBI और ICICI कार्ड के साथ 10% डिस्काउंट मिलेगा उसके ऊपर अगर आप प्राइम मेंबर हो तो। अगर नहीं हो तो आप 179 रुपीज देके प्राइम मेंबर बन सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 15 ऐसी स्मार्टफोन डील्स जो इस सेल में जिनकी तरफ आप देख सकते हो। ज्यादा ही मिस नहीं करते, जैसे मैंने कहा कि आपके पास ICICI या फिर SBI का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या डेबिट कार्ड या कोई भी कार्ड चलेगा, मतलब किसी भी टाइप का कार्ड रहेगा चल जाएगा। इसके ऊपर आपको ऑफर्स मिलने वाले हैं 15 स्मार्टफोन की डील्स। चलिए ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, चलते सीधे वीडियो की तरफ, डील्स की तरफ। पहली डील आती है इसमें Redmi K50i जो कल लॉन्च हुआ है, यानी 26,000 का फोन है। इसके ऊपर 5,500 रुपए का ऑफर आ रहा है आपको एक्सचेंज और कार्ड वाला मिलाकर, एंड 20,500 मिलेगा। डायमेंसिटी 8100 है, 144Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, कल वीडियो बनाया हुआ है पूरा, जाके जरूर देखिए। मेरे हिसाब से 20,500 में अच्छी डील है, देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो। दूसरा स्मार्टफोन डील आईको नियो 6 120Hz सुपर एमोलेड स्नैपड्रैगन 870 80W का चार्जर सब कुछ 30,000 रुपये में आता है। बैंक एंड कूपन डिस्काउंट 4,000 का इसके ऊपर आ रहा है टोटल, एंड ये मिलेगा आपको 26,000 रुपये में। पैसे जो लीक्स बता रहे हैं कि इसके ऊपर एक्सचेंज वाला ऑफर भी आपको शायद देखने को मिल जाए तो 24-24,000 तक आ जाए, लेट्स सी देखेंगे, लेकिन 26,000 में तो आपको कन्फर्म मिलेगा, अच्छी डील है देख सकते हो। नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात करते हैं, OnePlus Nord CE 2 Lite 20,000 का फोन है। इसके ऊपर 2,500 रुपये का बैंक और कूपन वाला ऑफर है, तो ये स्मार्टफोन डील आपको 17,500 में पड़ जाएगा, एंड तगड़ा है। 17,500 के हिसाब से OnePlus Nord CE 2 Lite अच्छा ऑफर है। चलिए अगले स्मार्टफोन की बात करते हैं, Xiaomi 11T Pro 36,000 का फोन है। इसके ऊपर 6,000 रुपये का बैंक ऑफर आएगा, एंड ये स्मार्टफोन आपको 30,000 में मिल जाएगा। अगर इसके ऊपर और भी कोई आते हैं तो और भी चीप हो जाएगा। स्नैपड्रैगन 888 के ऊपर है, 120Hz का एमोलेड का पैनल है, एंड बाकी सारी चीज़ें, डील अच्छी है 30,000 के नीचे अगर आता है तो। इसके बाद सैमसंग गैलेक्सी M33 5G, एक्सिनोस का 5G का चिपसेट है, एंड बहुत सारी चीज़ें। 18,000 का फोन है, इसके ऊपर 2,500 रुपये का ऑफर आ रहा है टोटल, और ये स्मार्टफोन आपको 15,500 मिल जाएगा। 15,000 के आसपास सैमसंग का 5G फोन अगर आपको चाहिए तो आप इसकी तरफ देख सकते हो। बाकी फीचर्स भी अच्छे हैं, 6,000 mAh की कुछ बैटरी है, सारी चीज़ें। चलिए इसके बाद सैमसंग की बात करते हैं, तगड़ी डील की, सैमसंग S20 FE 5G। ये स्मार्टफोन 35,000 का था, पहली बार आपको सारे ऑफर्स लगा कि 30,000 के नीचे मिलेगा। 5,000 रुपये का इसके ऊपर बैंक वैंक वाला ऑफर सब मिल के आए, बैंक एंड कूपन का, और ये आपको सिर्फ 29,990 यानी 30,000 के नीचे मिलेगा। अगर आपको S20 सीरीज का स्मार्टफोन चाहिए सैमसंग की तरफ से, आप इसकी तरफ देख सकते हो। मेरे हिसाब से अच्छी डील है अगर 30,000 के नीचे मिलता है तो, और कोई ऑफर आता है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उसके ऊपर एक ऑफर और आ जाए। चलिए अच्छी बात है, एक्सचेंज वाले जैसे। आईको Z6 Pro स्नैपड्रैगन 778G एमोलेड, सारी चीज़ें। 24,000 का फ़ोन था, इसके ऊपर 4,000 का बैंक एंड कूपन का ऑफर आ रहा है, यानी ये 20,000 के नीचे मिल जाएगा। देखना चाहते हो सेल में, मेरे हिसाब से अच्छी डील है, देख सकते हो। इससे भी अच्छे वाले आने वाले हैं, लेकिन ये भी अच्छा डील है, देख सकते हो। Redmi Note 11 Pro 5G स्नैपड्रैगन 695, इसके बाद 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, देन बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। ये स्मार्टफोन 20,000 का आ रहा था, इसके ऊपर 2,750 रुपये का ऑफर है पूरा बैंक वाला, एंड ये 17,250 में मिल जाएगा। 17,250 के हिसाब से अच्छी डील है, देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो। फीचर रिच स्मार्टफोन है उस प्राइस के हिसाब से। Xiaomi 11 Lite यानी स्नैपड्रैगन 778G 90Hz का एमोलेड का पैनल, कल ये कुछ 15-15,500 मिल रहा था सारे ऑफर्स लगा के, चलो अच्छी बात है। लेकिन सेल में 27,000 का फोन 24,000 में आएगा, एंड 6,000 का बैंक ऑफर भी रहेगा इसके ऊपर, तो ये आपको 18,000 के आसपास मिल जाएगा। और कुछ सारे ऑफर्स अगर और भी आते हैं तो और भी कम होगा, लेकिन बैंक ऑफर के साथ आपको 18,000 तक तो कन्फर्म मिल जाएगा। तगड़ी डील है उस प्राइस के हिसाब से, देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो। बाकी सबसे बेटर डील है सैमसंग M53, नया नया फोन है, ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, 27,000 का फ़ोन था, सेल में आपको 25,000 में मिल रहा है, एंड इसके ऊपर 3,000 रुपये का कार्ड वाला ऑफर है बैंक का, तो ये स्मार्टफोन आपको 22,000 रुपये में मिल जाएगा। 22,000 के हिसाब से डील अच्छी है। डायमेंसिटी 900, एमोलेड का पैनल, 108 मेगापिक्सल कैमरा, सारी चीज़ें, मेरे हिसाब से डील अच्छी है, देखना चाहते हो। 22,000 तक अगर मिलता है, मेरे हिसाब से अगर एक्सचेंज लगाए 20,000 तक आ जाए सेल में, तो मेरे साथ तगड़ी डील होगी, किलर, देख सकते हो। नेक्स्ट Realme Narzo 50, अगर आपका बजट 10,000 के आसपास का है और आपको अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तो आप इसकी तरफ देख सकते हो। G96 का चिपसेट है, 120Hz का रिफ्रेश रेट है, 5,000 mAh की बैटरी है, 33W का चार्जर है, 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, 12,000 का फ़ोन है, बैंक एंड कूपन मिला के 2,000 ऑफ हो जाएगा, तो ये स्मार्टफोन आपको 10,000 के नीचे मिलेगा, 9,999।
अच्छी डील है, देख सकते हो। i9 SE स्नैपड्रैगन 888 के ऊपर आता है, 34,000 का फोन है, इसके ऊपर 4,000 रुपए का बैंक एंड कूपन वाला ऑफर है, 30,000 में आ जाएगा, तगड़ी डील है। देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो, मेरे हिसाब से 30,000 के हिसाब से अच्छी डील है। देन इसके बाद नार्जो 50 प्रो, ये समझ लो रियलमी 9 प्रो प्लस है ना, वो कौन सा 24,000 का, वही वाला ऑलमोस्ट स्मार्टफोन है, 90 हर्ट्ज का एमोलेड, डेमेंसिटी 920, 23,000 का फोन है, सेल में सिर्फ 20,000 में आ रहा है, एंड 2,000 कार्ड का ऑफर तो 18,000 मिल जाएगा, ये भी तगड़ा डील है। देखना चाहते हो इसके साथ भी देख सकते हो अगर और कोई ऑफर आता है तो। नेक्स्ट वन है आईगो Z5, एक तगड़ा स्मार्टफोन जो 23,000 का 24,000 का था, सेल में सिर्फ 19,000 में आ रहा है, स्नैपड्रैगन 778 UFS 3.1 LPDDR5, 1,500 का कार्ड का ऑफर मिला होगा तो मेरे ख्याल से 17,500 के आसपास आ जाएगा, मेरे हिसाब से अच्छी डील है। देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मी 11X, अभी इसके ऊपर 5,000 एक्सचेंज वाला ऑफर है, कहा जा रहा है सेल में कार्ड वाला भी ऑफर आएगा, तो ये 28,000 का फोन आपको 20,000 के आसपास पड़ जाएगा, एंड एक्सचेंज करोगे तो और भी ऑफर रहेगा साथ में, और भी कम प्राइस पे हो जाएगा, मेरे हिसाब से अच्छी डील है। 20,000 के अगर नीचे आता है तो मी 11X स्नैपड्रैगन 870 के साथ तगड़ी डील है, इसकी तरफ देखना चाहते हो इसकी तरफ देख सकते हो। तो ये 15 डील मेरे हिसाब से अभी रिवील हुए हैं, अब आगे देखते हैं और कौन कौन से डील्स रिवील होते हैं, जैसे और भी रिवील होंगे आपको बताते रहूंगा, कोई तगड़ी वाली अगर डील रहेगी तो स्पेसिफिक वीडियोस भी आते रहेंगे। चलिए कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि नहीं पसंद है और कैसा लगा वीडियो। साइड में देखो वेक्टर में जिसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड सपोर्ट कर सकते हो, एंड अगले भी डील्स के वीडियो आने वाले हैं, फ्लिपकार्ट का भी सेल आ रहा है उसके ऊपर भी वीडियो आएगा पॉसिबली। चलिए कैसा लगा जरूर बता देना, कौन सा वाला लोगे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया के साथ, तब तक के दोस्तों जय।